अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम विलियम शेक्सपियर का ओथेलो प्ले जो है डिस्कस कर रहे थे, और पिछली वीडियोस में हम एक्ट टू सीन टू तक इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्ट टू सीन थ्री से स्टार्ट करेंगे, और इसकी मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ओथेलो कैसियो को निगरानी पर छोड़ जाता है और जश्न के दौरान उसको वहाँ से खुद को दूर रखने की याद दहानी करवाता है। ओथेलो और डेस्डिमोना अपनी शादी मुकम्मल करने चले जाते हैं। ओथेलो के जाने के बाद अयागो निगरानी पर मामूर कैसियो से जा मिलता है। वो कैसियो से कहता है कि उसे लगता है डेस्डिमोना एक फितना अंगेज़ औरत है, लेकिन कैसियो का मानना है कि वो एक मामूली औरत है। कैसियो के एहतजाज के बावजूद अयागो उसे शराब पीने और फसाद करने वालों में शामिल होने पर मजबूर कर ही लेता है। जब कैसियो हल्ला गुल्ला करने वालों को इकट्ठा करने जाता है तो अयागो सामीन को अपना मंसूबा बताता है। तमाम शराबियों के दरमियान वो उसे ऐसा काम करने पर मजबूर करेगा कि जिससे उसकी बदनामी हो। कैसियो शराब की हालत में मोंटेनो और उसके साथियों के साथ आता है। वो जल्द ही नशे में टुन हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के सामने इस बात से मुनहरिफ होता है, यानी इनकार करता है कि मैंने नशा नहीं किया। जैसे ही कैसियो जाता है तो अयागो मोंटेनो को से कहता है कि उसे बेशक कैसियो एक ज़िम्मेदार सिपाही है, लेकिन इस शराब की आदत में वो अपनी जिम्मेदारी में कोई खराबी पैदा ना कर दे। रोड्रिगो दाखिल होता है और अयागो उसे कैसियो की तरफ इशारा करता है। जैसे ही मोंटेनो फैसला करता है कि कैसियो के शराब नोशी के बारे में ओथेलो से बात करेगा, कैसियो स्टेज पर आकर रोड्रिगो के सामने आता है और उसे मारने की धमकी देता है। मोंटेनो झगड़ा ख़त्म करने आता है, लेकिन वो भी कैसियो की जद में आ जाता है। अयागो ऑर्डर करता है कि रोड्रिगो को वहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही मोंटेनो और दूसरे कैसियो को पकड़ने आते हैं, कैसियो मोंटेनो को छुरा मार देता है। अलार्म बेल बजती है और ओथेलो मुसल्ला अफराद के साथ आ जाता है। फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाते हुए वो ये जानने का मुतालबा करता है कि आखिरकार हुआ क्या है। अयागो और कैसियो दोनों ही उसको बताने से इनकार करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये फसाद कैसे बरपा हुआ। मोंटेनो ये इसरार करता है
कि वो बोलने के काबिल नहीं, लिहाजा अयागो तमाम कहानी बयान करेगा। अयागो पहले कैसियो को मुलज़िम बनाने से गुरेज करता है और वो इस बात पर जोर देता है कि वो रोड्रिगो और कैसियो की लड़ाई के बाद वहां पहुंचा और ये राय देता है कि ये लड़ाई किसी तीसरे की वजह से हुई है। ओथेलो अब कैसियो के जाल में फंस जाता है और अयागो कैसियो के साथ इस कहानी को नरमी से सुलझाता है। ओथेलो कैसियो को अपनी खिदमात ओहदे से बर्खास्त कर देता है। डेस्टिमोना इस हंगामे से जाग जाती है। ओथेलो उसके साथ वापस बिस्तर पर जाते हुए कहता है कि उसे मोंटानो के जख्म देखने जाना चाहिए। कैसियो और अयागो पीछे रह जाते हैं। कैसियो अपनी साख के नुकसान पर अफसोस करता है, जिसकी वजह उसे याद नहीं। अयागो कैसियो को मशवरा देता है कि वो डेस्टिमोना से जाकर अपील करे, क्योंकि वो ओथेलो की तवज्जह और अच्छाई का मरकज़ है, यानी ओथेलो उसकी बात मानता है। अयागो ये वजाहत करता है कि अगर डेस्टिमोना ने कैसियो पर मेहरबानी की और उसकी इल्तिजा पर उसकी मदद की, तो वो ओथेलो से उसका लेफ्टिनेंट का ओहदा वापस दिलवाएगी। कैसियो के जाने के बाद अयागो उसकी सितम ज़रीफ़ी पर तंज करता है कि उसकी नाम निहाद झूठ मूठ की बदमाशी अब उसको उसके मकसद में कामयाबी दिलाएगी। वो दोबारा इस बात को सोचता है कि उसने कैसियो को डेस्टिमोना के बारे में क्या बोला था और ये कि कैसे ओथेलो डेस्टिमोना पर मेहरबान है। ताहम अयागो सामीन को बताता है कि वो जब बहुत ज़्यादा अच्छाई करता है तो उसके पीछे उसकी कोई बड़ी बुराई, शैतानी या चाल होती है। अब जबकि कैसियो डेस्टिमोना से मिलेगा तो उससे ओथेलो को इस बात का यकीन दिलाने में आसानी हो जाएगी कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक है और इससे डेस्टिमोना की नेकी अंजाम को पहुंचेगी। रोड्रिगो दाखिल होता है, इस बात पर नाराज होता है कि उसे मारा पीटा गया है और इस बात पर नाराज होता है कि अयागो ने इसके सारे पैसे ले लिए हैं और इसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अयागो उसे सब्र का मुजाहरा करने और वेंस वापस ना आने का मशवरा देता है और उसे याद दिलाते हुए कहता है कि उन्हें अपनी ताकत से काम करना है। अयागो रोड्रिगो को यकीन दिलाता है कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। रोड्रिगो को जाने का कहने के बाद अयागो सामीन को आने वाला मंसूबा बताता है कि वो एमिलिया को कैसियो की जानिब से डेस्टिमोना से बात करने पर राजी करेगा और
वो ओथेलो का डेस्टिमोना और कैसियो की मुलाकात करते देखने का बंदोबस्त करेगा। यानी एक तरफ वो डेस्टिमोना और कैसियो को आपस में मिलने का बंदोबस्त करता है, तो दूसरी तरफ वो ओथेलो को उन दोनों को मिलते हुए देखने का बंदोबस्त करेगा, ताकि ओथेलो का जो शक है कि कैसियो और डेस्टिमोना का आपस में अफेयर है, वो इस शक को यकीन में बदल सके। इस Act 2, Scene 3 में प्लानिंग बताई गई है कि वो सबसे पहले कैसे कैसियो को ड्यूटी से हटाता है, शराब पिलाता है, और फिर कैसे झगड़ा एक क्रिएट करता है, और उसकी जो पोस्ट होती है उसको कैसे वो वहाँ से कैसियो को हटवा देता है, और उसके बाद जब उसकी पोस्ट चली जाती है तो वो डेस्टिमोना के थ्रू ओथेलो से सिफारिश करवाएगा कैसियो को। वो कहता है कि डेस्टिमोना को कहो कि वो तुम्हारी सिफारिश करे कि उसका लेफ्टिनेंट का ओहदा वापस कर दे, और उधर दूसरी साइड पे वो जो है उसको ओथेलो को कहता है कि डेस्टिमोना और कैसियो का आपस में अफेयर है, ताकि डेस्टिमोना जब ओथेलो से कैसियो के लेफ्टिनेंट के ओहदे को बहाल करने की सिफारिश करे, तो भी ओथेलो का शक यकीन में बदल जाए कि इन दोनों का आपस में अफेयर है। तो दोस्तों, ये था Act 2, Scene 3। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो है सीन वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो तमाम वीडियोस हैं अब तक की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप कोई भी एक्ट या कोई भी सीन उसमें से आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।